किसी के अगेंस्ट हत्या, किसी और के खिलाफ बलात्कार, किसी और के खिलाफ अपहरण, इतने सब आरोप लगते हैं हमारे एमएलए या एमपी कैंडिडेट्स के अगेंस्ट। फिर वो जाके संसद में बैठते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। क्या ये सही चीज है? क्या ये इसको, इस पर कुछ रोक होना चाहिए कि जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो आपराधिक लोग हैं, जिनके अगेंस्ट वो पुराने उनका हिस्ट्री में केसेस है, एफआईआर है, चार्जशीट है, क्या ऐसे लोग हमारे एमपी एमएलए हमारे सांसद बनने चाहिए? ये जो बहुत बड़ा सा मामला, काफी सालों से लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, बोलते हैं कि ये इसको चेंज करो, कुछ बदलाव लाओ, पर जो कानून है उसमें तो नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया था कि क्या जो जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको इलेक्शंस करने से रोक किया जा सकता है? क्या उनके अगेंस्ट जो आरोपी है, जो उनके क्रिमिनल केस का जो स्टेटस है वो उसको पब्लिक करना चाहिए? ये सब प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट के जवाब आज आया एक जजमेंट में, और ये आज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि कुछ चीजें तो ठीक करता है, पर सबसे बड़ी चीज कि क्या वो रोक देते कि पॉलिटिकल पार्टीज जाके ऐसे कैंडिडेट को नहीं उठा सकते जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उन्होंने उसके बारे में बोला कि नहीं, वो खुद नहीं बोल सकते कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के जो है वो कैंडिडेट नहीं बन सकते, पर उन्होंने जाके पॉलिटिकल पार्टीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दी। और ये क्या है? उन्होंने बोला कि जो भी कैंडिडेट है जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके सब डिटेल्स आपको अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, आपको एक न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, तुम्हारे फेसबुक, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, उन सब पे आपको ये सब डिटेल्स छापना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि कभी बाद में जाके छाप लो, उन्होंने बोला है 2 दिन के अंदर, 48 आवर्स के अंदर आपको ये सब डिटेल्स छापना पड़ेगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, और उस रिपोर्ट में अगर आपने ठीक से ये नहीं बताया कि आपने ये काम किया है, तो फिर सब पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट जो एक्चुअली ये ठीक से नहीं करेंगे, ये डिटेल्स नहीं छापेंगे, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू किया जाएगा। तो अब इसके बारे में और क्या कोर्ट ने बोला है? उन्होंने बोला देखो, यहाँ पे जो लोग हैं जिनने ऐसे कुछ काम किया है, उनके अगेंस्ट जो भी आरोप है उसके सब डिटेल्स लिखो, केस का क्या स्टेटस है, क्या वो एफआईआर अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या वो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं कभी, क्या वो बेल पे हैं, क्या उनके अगेंस्ट चार्जशीट लगा, ये सब डिटेल्स उनको अपने वेबसाइट पे रखना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा स्टेप है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लोग को पता होना चाहिए कि उनके जो कैंडिडेट है जिसके लिए वो जाके वोट करने वाले हैं, वो किस टाइप के कैंडिडेट है, क्या उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्योंकि सोचना, अगर आप देख रहे तो यही जाके कानून बनाते, वो दंडनीय अपराध के बारे में वो सब कुछ लिखते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, इसका पनिशमेंट ये करा, पर अगर वो खुद ऐसे लोग है जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चार्जेस है, तो फिर ऐसे लोग को क्यों डिसाइड करना चाहिए? अब प्रॉब्लम ये कि आप सोच रहे होंगे, पर ऐसे लोग को कैंडिडेट बनने देना, इसे कोर्ट ने रोका क्यों नहीं? और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो लोकसभा में जो नए एमपीज आए थे, उनमें से 43% जो नए एमपीज आए थे, वो भी उनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो अभी दिल्ली इलेक्शन में हुआ था, उसमें 61% एमएलए के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है, और उनमें से 37 एमएलए जो हैं, जो विधायक है दिल्ली के, उनके अगेंस्ट बहुत गंभीर वाले अपराध है, जैसे रेप, मर्डर, क्रिमिनल असॉल्ट, ऐसे चीजें। तो आप सोच रहे होंगे कि यहां पे कोर्ट ने क्यों नहीं बोला कि बस बहुत हो गया, ऐसे लोग को आप कैंडिडेट नहीं बना सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि जो कानून होता है इसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें ये लिखा है कि जो लोग जिनका 2 साल का कन्विक्शन हुआ है, वो उस टाइम के लिए वो डिस्क्वालिफाई होते हैं और 6 साल तक डिस्क्वालिफाई होते हैं। उसमें ये भी होता है कि कुछ जो सीरियस ऑफेंसेस हो, जैसे करप्शन का हो, जैसे अगर उनको रिजाइन करना पड़ा है कोई गलत काम के वजह से, ऐसे सिचुएशन में वो डिस्क्वालिफाई होते हैं, पर उसके बजाय आप उनको डिस्क्वालिफाई नहीं करा सकते। और ये अगर हम देख ले तो, चाहे जो भी है, अगर लोग को पता है कि उनका कि जो कैंडिडेट है वो क्रिमिनल है, उसको और उसके लिए वोट करना है, तो फिर हम उसको रोके कैसे? पर कोर्ट ने ये बोला कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंफॉर्मेशन होना चाहिए सबके पास, तो ये पता होना उनको कि क्या केस है, कैसे टाइप का केस है, क्या चल रहा है उसमें। और दूसरी जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने बोला कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे कैंडिडेट को फील कर रहा है जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको ये भी बताना पड़ेगा, रीजंस लिख के देना पड़ेगा, कि कारण बताना पड़ेगा कि ऐसे कैंडिडेट को क्यों लगाया यहां पे, और एक
दूसरे कैंडिडेट जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसको क्यों नहीं डाला? और वो ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं वो जो जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आसानी से जीत पाता है, वो भी वो काफी नहीं होगा। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो क्योंकि कानून के वजह से कोर्ट यहां पे और कुछ नहीं बोल सकते थे, उन्होंने जितने जितना उनके पास पावर था, जितना उनके पास अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने ठीक से उसको इस्तेमाल किया है, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, इससे एटलीस्ट हमें अब पूरी जानकारी होगा सब ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में। तो जो भी अपडेट्स अभी आते रहेंगे कि क्या वो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट के जो डायरेक्शंस है उसको मानेंगे या नहीं, वो 72 आवर्स के अंदर एक्चुअली रिपोर्ट फाइल करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, क्विंट पे सब डिटेल्स आते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे।